हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। अभी ऐसे सेकेंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ रहे थे और इसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 6 ई चल रही थी। आज हम इस एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3y कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3 इक्वल 0 है। यहाँ से m की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस √2 आइटा। सी एफ आ गया e की पावर 2x सी वन कॉस √2x प्लस में सी टू साइन √2x। इक्वेशन नंबर 1। पी आई है 1/2 में डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसको अलग अलग पार्टों में कर लो, कॉस एक्स डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 प्लस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3। अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। यह आएगा कॉस एक्स माइनस 1 माइनस 2d प्लस 3 प्लस में 1/3। यहाँ से इसको फ्रैक्शन करोगे तो 1 माइनस 2 बाई 3, 3 कॉमन निकाल दिया, डी प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में 3 इनवर्स एक्स स्क्वायर। इसको क्या कर दिया, कॉस एक्स, देखो ये बचा -1/2 कॉस एक्स अपॉन में डी माइनस 1 प्लस में 1/3। इसको कर दो 1 माइनस 2 बाई 3 डी प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई माइनस वन एस प्लस हो गया और इनवर्स। ठीक है, -1/2 कॉस एक्स ये हो गया डी प्लस 1 डी स्क्वायर माइनस 1 1/3 4 अपॉन में 9 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया ये प्लस में 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स। खोल के देख लेना 2/9 आएगा, दैट एम्प्लाइज वाई बराबर सी एफ प्लस पी आई। देखिए क्या है क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 7। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3y इक्वल कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 3 इक्वल 0। एम की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 2 रूट में 2 आइटा। सी एफ हो गया e की पावर 2x सी वन कॉस रूट में 2x प्लस में सी टू साइन रूट में 2x। इक्वेशन नंबर 1। पी आई की वैल्यू हो गई 1/2 में डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 कॉस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। खोलेंगे कॉस एक्स अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3 और एक्स स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 3। ये आ गया कॉस एक्स माइनस 1 रख दो, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 रखा माइनस 2d प्लस 3 प्लस में 1/3 1 माइनस 2/3 प्लस में डी स्क्वायर बाई 3 इन्वर्स आ गया एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये वैल्यू देखो, इसको खोलेंगे तो -1/2 बचेगा, 2 कॉमन निकाल दो तो डी माइनस 1 बचेगा, कॉस एक्स बचेगा 1/3। इसको अंदर कर दो माइनस कॉमन निकाल के, ये क्या होगा 1 माइनस एक्स के इनवर्स को खोलेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में, मतलब 1 प्लस एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर होगा। तो आप इसको एक्स मान लेना तो 1 प्लस एक्स तो एज इट इज रह जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर करना और खोलोगे तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की। फिर आगे सॉल्व करोगे डी माइनस वन है तो डी प्लस वन का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, डी स्क्वायर माइनस वन बचा और खोलेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 1/4 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस में 2/9। ये वाई बराबर क्या आ गया, सी एफ प्लस पी आई आ गया। अब आप स्क्रीन शॉट लें। चलो तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल साइन थ्री एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए सॉल्यूशन एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल जीरो, दैट इम्प्लाइज एम स्क्वायर इक्वल माइनस फोर एम बराबर प्लस माइनस टू आइटा। सी एफ क्या आएगा, सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स। पी आई निकालेंगे तो पी आई आएगा वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर साइन थ्री एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, साइन थ्री एक्स अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर प्लस में ई की पावर एक्स अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस फोर। और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा साइन थ्री एक्स माइनस नाइन प्लस फोर प्लस में ई की पावर एक्स प्लस में वन अपॉन में फोर इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में फाइव साइन थ्री एक्स वन अपॉन में फोर वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन में फोर एक्स स्क्वायर। साइन थ्री एक्स एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, ये आएगा माइनस वन बाई फाइव साइन थ्री एक्स प्लस वन बाई फाइव ई की पावर एक्स प्लस वन बाई एट टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो दैट इम्प्लाइज वाई बराबर कितना आ गया, सी एफ प्लस पी आई। देखिए क्या है, नाइन नंबर डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इक्वल साइन थ्री एक्स प्लस में ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा, एम स्क्वायर प्लस फोर इक्वल जीरो, एम स्क्वायर की वैल्यू है माइनस फोर, एम बराबर है प्लस माइनस टू आइटा। सी एफ की वैल्यू ये आ गई, पी आई क्या होगा वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर साइन थ्री एक्स प्लस में ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा, साइन थ्री एक्स अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर ई की पावर एक्स अपॉन में डी स्क्वायर प्लस फोर और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस फोर। अब यहाँ पर माइनस वन रखेंगे, माइनस ए रख देते हैं यानी माइनस ए का स्क्वायर रख देते हैं, तो माइनस नाइन आ गया प्लस फोर ई के पावर एक्स वन रख दिया, ठीक है। अब प्लस में वन बाई फोर ये कॉमन निकाला तो वन प्लस डी स्क्वायर बाई फोर के इन्वर्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो माइनस वन अपॉन में फाइव साइन थ्री एक्स प्लस वन अपॉन में फाइव ई के पावर एक्स प्लस वन बाई फोर वन माइनस डी स्क्वायर माइनस अपॉन में फोर एक्स स्क्वायर। ये एज इट इज छोड़ दिया, ये आ गया वन प्लस वन बाई फोर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस टू एक्स, और टू एक्स का दोबारा करोगे तो टू आएगा, टू माइनस वन बाई टू बचेगा। और आप यहाँ देखिए माइनस वन बाई फाइव साइन थ्री एक्स प्लस वन बाई फाइव ई के पार एक्स, यहाँ टू एलसीएम लेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एट। तो वाई बराबर कितना आ गया, सी एफ प्लस पी आई आ गया। अब ये आप इसके स्क्रीन शॉट लें, चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इक्वल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस में कॉस टू एक्स है। तो देखिए सी एफ क्या होगा, सॉल्यूशन हम जल्दी से करते हैं, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल जीरो, एम की वैल्यू आ गई टू और टू, सी एफ आ गया सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स, पी आई आ गया वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस कॉस टू एक्स। इसको आगे खोलोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर ई की पावर एक्स डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर प्लस में कॉस टू एक्स डी स्क्वायर और माइनस फोर डी प्लस फोर वन अपॉन में फोर वन माइनस डी
प्लस डी स्क्वायर अपॉन में फोर इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स वन माइनस फोर प्लस फोर प्लस में कॉस टू एक्स माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर डी, ये आएगा वन माइनस फोर वन प्लस डी प्लस में थ्री डी स्क्वायर अपॉन में फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई फोर वन अपॉन में डी कॉस टू एक्स, ये आएगा वन बाई फोर साइन टू एक्स अपॉन में टू. तो दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल सी एफ प्लस पी आई. देखिए क्या है, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस में कॉस टू एक्स. तो क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इक्वल जीरो. एम की वैल्यू आ गई टू टू, सी एफ की वैल्यू आ गई सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस इन टू में ई की पावर टू एक्स. तो कितना आ गया, वन अपॉन में डी स्क्वायर पी आई की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस में कॉस टू एक्स. कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर ई की पावर एक्स अपॉन में डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर कॉस टू एक्स अपॉन में कितना, डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर. अब यहाँ ये खोलेंगे तो कितना आएगा, वन माइनस डी प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में फोर इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में ई की पावर एक्स वन माइनस फोर प्लस फोर कॉस टू एक्स की वैल्यू माइनस फोर प्लस फोर माइनस फोर डी. यहाँ ये क्या आ गया, खोलोगे तो माइनस, इसको ब्रैकेट ले में लेके इसको खोलना, मैं बता देती हूँ आपको कितना कैसे क्या करना है. देखो वन माइनस कॉमन निकालेंगे, डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन में फोर कर दो और इसका इन्वर्स कर दो. तो वन माइनस डी स्क्वायर यानी वन प्लस एक्स हो गया, ठीक है, डी माइनस डी स्क्वायर प्लस फोर और प्लस में एक्स स्क्वायर यानी डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर का स्क्वायर. तो वन प्लस डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन में फोर, ये कितना आएगा डी स्क्वायर, फिर डी फोर आ जाएगा और फिर वाली डी क्यूब आ जाएगी, छोड़ दो उसको. तो अपने पास आ गया डी स्क्वायर की टर्म, तो वन प्लस डी तो है ही और ये प्लस के वन, वन माइनस वन बाई फोर, तो कितने बचेंगे, थ्री बाई फोर बचेंगे, थ्री फाई फोर डी स्क्वायर. इस तरीके से ये खोलना है, ठीक है. सेवन नंबर एग्जांपल था उसमें भी इसी तरीके से खोलना था. तो ये इस तरीके से खोलेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर आ गया ई की पावर एक्स रह गया. ये पीछे कराए हुए हैं सारे मेथड, तो आप इनमें कर सकते हो. माइनस वन बाई फोर वन अपॉन में डी कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स का क्या होगा, साइन टू एक्स अपॉन में टू वन बाई फोर प्लस में ई की पावर एक्स और इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स प्लस में थ्री बाई टू, ठीक है, और कितना आ गया, थ्री बाई टू आ गया. तो ये क्या आ गया, सी एफ प्लस पी आई. स्क्रीन शॉट लो आप. तो देखिए आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट की एक्सरसाइज नंबर सिक्स ई के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर लिए. इससे बाहर कुछ नहीं आना. अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर ज़रूर देख ले. थैंक यू सो मच.